रजनीकांत जी, हरिओम यादव जी, शैलेश यादव जी, श्री सुनील जी, श्रीमती मोहिनी मैम, श्रेया मैम और मंच पर उपस्थित धनीपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई ठाकुर तेजवीर सिंह जी, मंच पर उपस्थित महिला विंग की जिलाध्यक्ष, बहुत ही ब्रेवो लेडी सुनीता यादव जी, मंच पर उपस्थित हमारे थाने के थानाध्यक्ष भाई उपेंद्र मलिक जी, गांव के सभी सम्मानित साथी जो दूर दूर तक बैठे हुए हैं, आपका मैं नाम नहीं जानता लेकिन आप सबको बहुत प्यार करता हूं, बहुत बहुत प्यार करता हूं आप सबको। इसके साथ साथ प्रांगण में उपस्थित बहुत सुंदर ड्रेस में खड़े हुए दिखाई दे रहे इस प्यारे से स्कूल के प्यारे से बच्चों, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इस स्कूल में आता हूं और केवल एक ही आवाज निकलती है कि ये अपना स्कूल है। इस गांव के आसपास के सभी साथी, स्कूल के सभी अध्यापक गण, साथी गण, आज 26 जनवरी का दिन है प्यारे बच्चों, आपको पता होगा भारत में दो पर्व सबसे बड़े मनाए जाते हैं, एक स्वतंत्रता दिवस और एक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। प्यारे बच्चों, 15 अगस्त को तो हम केवल स्वतंत्र हुए थे लेकिन गणतंत्र दिवस ने हमारी आजादी पर असली मोहर लगाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था आधी रात को और ये कसम खाई थी 1929 में। प्यारे बच्चों, आपको पता था हम लोग आजाद नहीं थे, हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, हम लोग आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे और हमने ये कसम खाई थी कि हम पूर्ण स्वराज से नीचे कोई समझौता नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, भारत आपने देखा है डेमोक्रेसी के साथ लोकतंत्र के साथ साथ एक गणराज्य भी है। आपने देखा होगा भारत की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में होने के साथ साथ एक बड़ी ताकत राष्ट्रपति के हाथों में भी है। ये जरूर आपने सुना है कि राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्ति होते हैं। भाई बहन सब लोग जो बैठे हुए हैं, स्पेशली आपको कह रहे हैं, एक रोटी कम खा लो, एक सस्ता कपड़ा पहन लो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करना। आपको पता है पुलिस वाले बैठे हुए हैं, इनके घर में सब लोग उधार देते होंगे कि हमारा बेटा, हमारा पिता, हमारा भाई पुलिस में है और जिस घर में सरकारी नौकरी आ जाए उस परिवार भीड़ से अलग हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता ये बताइए। तो इस विद्यालय परिवार को, इस विद्यालय परिवार के बच्चों को बहुत बहुत बधाई और अग्रिम भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब भी आप हमको शिक्षा के क्षेत्र में मदद मांगने का काम करेंगे तो प्रिंसिपल साहब चिट्ठी लिख के भेज देना, आप आना भी मत। आप जो भी शिक्षा के क्षेत्र में मदद मांगेंगे निःशुल्क पढ़ाने का काम हम करेंगे। अंत में मुजफ्फरा के लोगों, प्यारे बच्चों, एक बात कह के जा रहे हैं, आज हमारे पास कोई बड़ी ताकत नहीं है, आज हम केवल शिक्षा के मिशन को लेकर निकले हुए हैं लेकिन ये डीआर यादव आप लोगों से कह के जा रहा है, यह भगवान ने हमको बड़ी ताकत दी आने वाले समय में तो इस स्कूल को बड़ा करने का काम करेंगे, ये कह के जा रहा है। तू मेरा अभिमान।